गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल लवली हैक्स। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो जो कि है होम रेमेडी वीडियो, और इसमें हम बताएंगे कि आप अपने डार्क स्पॉट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो भी घर पे और बिल्कुल 3 रुपए में। वो कैसे, आइए देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लेकिन वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिएगा, वहाँ भी मेरी बहुत शॉर्ट वीडियोस और न्यू वीडियोस और मस्त वीडियोस जाती हैं। सो फॉलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, जो फर्स्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो आपके घर में ही मिल जाता है और जिसका आप डेली यूज़ में काम भी करते हैं। सो सबसे पहले हम लेंगे बेसन। बेसन का हम 1 या 2 चम्मच हम लेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला स्पून यूज़ किया करा है, कि आप देख सकते हो ये छोटा वाला स्पून। यहाँ पे थोड़ा सा बेसन ले, सो हम अपने हिसाब से अपने स्टोरेज के हिसाब से हम इसमें लेंगे, क्योंकि आप इसे स्टोर करके रख भी सकते हो 1 से 2 दिन, और मैं इसे 1-2 दिन रखना चाहती हूँ। सो मैंने उसे ले रखा है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ हल्दी। यू कैन सी हल्दी, हल्दी पाउडर हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हल्दी आपके स्किन के लिए भी अच्छा होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच हल्दी ले रही हूँ, और इन दोनों को आप मिक्स भी कर सकते हो या फिर वो मिक्स हो जाएगा जब आप इसमें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही ईजिली आपको कहीं भी अवेलेबल होगी, जैसे कि हम ले रहे हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत ही ईजिली आपको अवेलेबल होगी हर जगह, आप इसको कहीं से भी ले सकते हो। और ये 10 रुपीज़ वाला कॉफ़ी है, वैसे इसका पूरा तो काम नहीं है, लेकिन जितना काम होगा हम उतना यूज़। सो हम यहाँ पे 1 या 1.5 चम्मच कॉफ़ी का भी यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी ले रखा है यहाँ पर। लेकिन मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। आप भी अपने स्टोरेज के हिसाब से रख सकते हो कि आपको कितना यूज़फुल है और कितना यूज़फुल नहीं है। ठीक है, ये कॉफ़ी जो है वो 100% प्योर कॉफ़ी है, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, वो है कॉफ़ी बीन्स, जिससे ये बना हुआ है, और वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा और नेचुरल ऐसा इंग्रेडिएंट्स होता है जो हार्मफुल नहीं करता है आपके स्किन को, तो इसलिए मैंने इसे ले रखा है कॉफ़ी को। तो फोर्थ हमारा इंग्रेडिएंट्स है नेचुरल, वो होगा दूध। दूध का यूज़ अक्सर हम सब करते हैं, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे दूध, रॉ मिल्क। रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। कच्चा दूध आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आप कच्चे दूध में जो मलाई जमती है उसे भी आप लगा के स्किन पे लगाते हो, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन मैं यहाँ पे रॉ मिल्क ले रही हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं फेस मास्क, और एक ऐसा फेस मास्क जो कि हमारे डार्क स्पॉट्स को 7 डेज़ के अंदर रिमूव कर देगी। तो ये एक चैलेंज है बेसिकली, आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। हम ले लेते हैं इसे भी, आप अपने जैसा ये पूरा इंग्रेडिएंट्स है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। सो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, और इससे आपकी स्किन पे फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान कभी नहीं होगा। तो इसलिए आप इसे घर पे ही बना के आप स्टोर भी कर सकते हो 1 से 2 दिन, और आप इसको 7 डेज़ चैलेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, आप 7 डेज़ तक इसे यूज़ करिएगा, और ये लिटरली आपकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है और आपकी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। सो प्लीज़ ट्राई इट, और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसका जो भी वो गोला गोला सा इसमें बेसन जो होता है ना, वो जब तक फूट ना जाए और इसमें अच्छे से एक मास्क के जैसा बन ना जाए। अगर आप चाहो तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एलोवेरा अगर आपके पास घर का एलोवेरा है तो आप उसके जो जेल है उसको भी निकाल के आप इसमें लगा सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तब आप इसमें उस समय आपको रॉ मिल्क जो है वो नहीं डालना है, उस समय आपको डायरेक्ट इसमें एलोवेरा ही डालना है। ठीक है, तो ये जो इसकी थिकनेस है वो भी आप देख सकते हो, और कितनी अच्छी ये पेस्ट बनी है, और इसको आप यूज़ जब करोगे ना तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी अमेजिंग है, और ये आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद भी है, प्लस ये आपके स्किन पे काम करेगा कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो
हमारा प्रोडक्ट बन चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये है वो प्रोडक्ट। ये बिल्कुल जम सा गया है लेकिन काफ़ी अच्छा है और स्किन पे आपके बहुत ही काम देने वाला है और आपकी स्किन को बिल्कुल फ्रेश, हाइड्रेट, नॉरिश कर देगा, बहुत ही स्मूथ कर देगा। और 7 डेज़ ये चैलेंज है तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और 7 दिन बाद आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके डार्क स्पॉट्स कम हुए कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी थिकनेस और जो भी फ्रिक्वेंसी है वो कैसी है मैं आपको दिखाती हूँ। नाउ यू कैन सी, सो गाइज ये आप देख सकते हो इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है, काफ़ी अच्छी है, अमेजिंग सी है। तो इसी हम अब लगाएंगे अपने फेस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी लगाते हैं। पूरे स्किन पे हमने लगा लिया है और अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। सो तब तक के लिए टेन। ओके गाइस, सो हमने लगाया, आप देख सकते हो कितना अच्छा निखार आया है चेहरे पे और इट्स रियली बहुत ही स्मूथ लग रहा है और चेहरा एकदम फ्रेश फील कर रहा है। सो आप भी इसे 7 डेज चैलेंज में ज़रूर यूज़ करिएगा, उसके बाद आप जो भी रिजल्ट आता है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक यू।